बस्तर के नगरनार स्टील प्लांट को निजी हाथों में देने का विरोध बस्तर ही नहीं अपितु पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में बस्तर बंद का समर्थन किया है। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने देश के सार्वजनिक संपत्तियों के निजीकरण के विरोध में बस्तर बंद का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नगरनार प्लांट को जिस तरह से प्राइवेटाइज किया जा रहा है यह उचित नहीं है। इसी तरीके से धीरे धीरे करके पूरे देश की जो संपत्ति है, जो हम सभी की सार्वजनिक संपत्ति है, उसको व्यक्तिगत उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। इससे हम सब आक्रोशित है। आज जिस तरीके से नगरनार स्टील प्लांट को बेचा जा रहा है, कल को भिलाई स्टील प्लांट को भी बेच दिया जाएगा। नगरनार प्लांट को जिस तरीके से प्राइवेटाइज किया जा रहा है और प्लांट तरीके से प्राइवेटाइज किया जा रहा है, ये उचित नहीं है। आने वाले भविष्य के लिए उचित नहीं है। इसी तरीके से धीरे धीरे करके पूरे देश की जो सरकार की संपत्ति है, जो हम सब की सार्वजनिक संपत्ति है, उसको किसी व्यक्तिगत उद्योगपतियों को दिया जा रहा है, जिससे हम सब आक्रोशित हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगा, ये जो कल बस्तर बंद है, इसका हम लोग यहाँ पर भिलाई में भी समर्थन करते हैं। और जिस तरीके से आज नगरनार को बेचा जा रहा है, कल को भिलाई स्टील प्लांट को भी बेचा जाएगा। FSNL का तो सौदा पहले ही कर दिया, और जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट अगर उस प्लांट को खरीदना चाहती है, उसको बिड से आउट किया जा रहा है। इससे ये साफ समझ में आता है कि किसी ना किसी को उपकृत करने के लिए प्राइवेटाइजेशन को लाया गया है। उपकृत करने के लिए प्राइवेटाइजेशन की नीति है। और आज ये नगरनार की बात है, कल FSNL की बात होगी, परसों भिलाई स्टील प्लांट की बात होगी, हम इसको बिल्कुल नहीं सहन करेंगे। हम सब इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, और नगरनार को भी बचाना है हमको, और भिलाई को भी बचाना है।